अच्छा मुझे बताएं शादी करने को दिल करता है? मैंने साउथ कोरिया जाने को ही मुझे भिजवा दे। कनाडा सेटल होना या ना करे, हम अकेले रह लेंगे। जैसे ये जी रही है ना डोले शाह की चुई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है ठीक है। ठंड ठुंड सही लग? नहीं अभी तो नहीं आई, अभी तो नहीं आई, अभी ठंड नहीं आई है। कोई बात नहीं, इन्होंने इनके गेटअप्स आप देख लें, बिल्कुल भी ठंड वाले नहीं हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। आ गया। अच्छा मुझे बताएं कि अकल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी है, किलो दो किलो? अकल को एक किलो से नहीं मेजर करेंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल माशाल्लाह अच्छा है। आप बताएं ऑन स्केल ऑफ 10 9 9 किलो On a scale of 10, not on a scale of 10. अच्छा मुझे बताएं कि एक तरफ एक 20 ईयर्स का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यंग लड़का है जो स्टडी कर रहा है अभी, उसके पास मतलब और कोई काम को नहीं है, और एक तरफ एक लड़का है कि लड़का नहीं है, मर्द कह लें, 35 ईयर्स का है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है जो एक लड़की को मतलब चाहिए होता है। तो आप किसके साथ शादी करना पसंद करें? पहली बात, जो 20 इयर्स वाला लड़का है उसके लिए वेट कर लेंगे कि वो जब स्टेब्लिश थोड़ा बहुत हो जाए, जब 25 साल तक तो चला जाए, लेकिन 35 तो आई थिंक नो ऑप्शन। इतना कोई नहीं है कि मतलब पैसे उसी के हो, हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं तो उस पर कमा लेंगे, तो वो इसका इतना ये खुद मुख्तारी वाली बात। आप बताएं मेरे लिए कंपेटिबिलिटी मैटर करेगी, मैं जिसके साथ कंफर्टेबल फील करूँगी उसके साथ ही, वेदर 35 ईयर्स वाला हो या इट डजंट मैटर, एज डजंट मैटर। अच्छा मुझे बताएं कि लड़के की बॉडी की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको फौरन से एक तरफ मतलब एक बार देखने से आपको अट्रैक्ट कर? हाइट। हाइट आप बताएं? मेरे लिए भी हाइट। हाइट या हाइट अच्छी होनी चाहिए या शक्ल चाहे उसकी बेड़ी जैसी हो? जिसकी पर्सनैलिटी होती है वो फिर अपने आप को जैसा भी हो लुक्स वो अपने आप को कर लेता है। चले मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप अपनी रहती ज़िंदगी में पूरी करना चाहती हैं, और अगर वो नहीं होगी तो फिर आपको जो है वो सुकून नहीं आएगा ना ज़िंदगी में ना आखिरत में, और मर के आप भूत बन जाएंगे, आपको तब भी सुकून नहीं। मैंने साउथ कोरिया जाने को ही मुझे भिजवा दे। अच्छा क्यों शौक है आपको कोरिया जाने का? इस चीज़ को मैं क्या बोलूँ, मैं BTS की फ़ैन हूँ, बिकॉज आई मैन आर्मी, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ देखना है, वहाँ का कल्चर हर चीज़, तो जाना है। आप बताएं कनाडा सेटल होना? कनाडा या कनाडा ना सेटल हुई तो आपकी ज़िंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी? हो जाएगी, मगर हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं। हमारा एक ऑफिस जो है वो मलेशिया में भी है, अगर आप चाहें तो हम आपको वहाँ भेज सकते हैं, कि आपने जो है वो अपनी सुई कनाडा में ही आपकी सुई अटकी हुई है, कनाडा के अलावा कहीं नहीं आप जाएंगे? नहीं अब वो होती हैं प्रायोरिटीज़ होती हैं, कनाडा प्रायोरिटी, अगर वो नहीं तो फिर कोई कहीं और सही, आप भेज दें मलेशिया ही। मलेशिया जाने के लिए तैयार होगी? अच्छा मुझे बताएं शादी करने को दिल करता है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी नहीं करता? नहीं अभी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि पढ़ाई पे फोकस है, माइंड में है कि कुछ बनना है, अपने बलबूते पे करना, उसके बाद फिर देखेंगे करनी है शादी। और आप? मे बी आफ्टर 4 या 5 ईयर्स, अभी करियर सेटल करना है तो फिर आफ्टर 4 या 5 ईयर्स। अच्छा मुझे बताएं कि अगर शादी का ख्याल 4-5 साल से पहले आता तो आप उससे क्या कहती हैं कि नाच जाए तो पा जा, मैं तेन 4-5 साल तो पहले जगह नहीं दे? नहीं अभी एक प्रायोरिटीज़, फिर अगेन प्रायोरिटीज सेटल हैं तो फिर अभी पहले करियर बाद में ये शादी वगैरह, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी ताड़ा जिड्डा को चिड़ी जिड्डा मुँह है, मैं लगता है तानू किसी ने ब्याह भी नहीं करना। ना करे हम अकेले रह लेंगे। अकेले रह लेंगे वो क्या कहते हैं, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, वो मुझे गाना याद आ गया, अभी सुनेंगे जाके वापस। अच्छा मुझे आप बताएं कि आपने ये जादू जैसी जो टोपी की हुई है इसका क्या फायदा? इसमें मैंने, क्योंकि मेरे बाल खुले हुए हैं तो मैंने वो बांध के अंदर रखे हुए हैं, इसीलिए बाल छुपा रही हैं। चिड़िया के घोंसले जैसे आपके बाल हैं जो आप छुपा? नहीं माशाल्लाह मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं है, बड़ी केयर करके रखी हुई है, केयर करके रखी हुई है संभाल के बिल्कुल, हाँ नज़र ना लग जाए। हाँ बस नज़र का डर है कि बाल पहले ही बहुत नज़रें लग चुकी हुई हैं तो अब ये है कि बाकियों की नज़र ना लग जाए। अच्छा मुझे बताएं कि अच्छी और बुरी नज़र में फ़र्क कैसे निकालें, किसकी नज़र अच्छी है और किसकी बुरी है? जो आपको देखे घोड़ियाँ मार रहा है बुरी, उसको लग रहा है कि वो नज़र बुरी है, जो आपको देख के इस तरह देख रहा है कि यार अच्छा इसके बाल अच्छे, तो वो एक अच्छी नज़र से ही देख रहा है। और आप?
मैंने कभी इस तरह नोटिस नहीं किया नहीं मैं लगता ताड़ी को री बहुत पैड़ी होंदी होनी है किसी नजर लग जांदी होनी है बिल्कुल ऐसे ही है हां ऐसे ही है ऐसे अच्छा मुझे किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप या कोई सॉन्ग सुना दें सॉन्ग नहीं बिल्कुल भी नहीं आवाज चले मैसेज 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 भी नहीं इतना कोई नहीं मुझे मैसेज देने का कोई मैसेज नहीं किसी को देने का नहीं पोएट्री शोएट्री भी नहीं सुनाएंगी सेकंड ईयर में लास्ट टाइम पढ़ी सारी भूल गई है इतना नहीं सुनती मैं चले कुछ भी नहीं आ रहा है इनसे हम एंड पे वही वाला डायलॉग सुनेंगे जो हम कहते हैं सबको आप सुना दें हमें कोई गाना शाना कोई पोएट्री कोई किसी को मैसेज मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जियो किसी लोगों की परवाह ना करो मैं कह रही हूँ कि सारे लोगों ने सबको कह रही हूँ और तरह देखिए मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जियो और लोगों की परवाह ना करें जैसे ये जी रही है ना डोले शाह की चुई की तरह इसी तरह आप लोगों ने भी जो खुले में जिंदगी जीनी है मैंने दसो अखा कितों लवाइया ने तुम इंसाना वाली तो लग नहीं ये लेंजेज हैं क्योंकि मेरी आई साइट वीक है तो फिर लेंजेज पहनने पड़ते हैं लेंस से इन्होंने जो है वो अपने चश्मे से जान छुड़ाई वरना हम इनको चश्मे कह सकते थे अच्छा आपने हमें कुछ भी नहीं सुनाया है तो आप एक दफ़ा कैमरे में देख के कह दें कि मैं एक फारिग इंसान हूँ मेरे में कोई टैलेंट नहीं ऐसी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि ना मैं फारिग और मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है कोई खाया तो है तो टैलेंट सिर्फ गाना गाने में और उसमें तो नहीं है टैलेंट मेरा आप चेक कर ले उससे पूछना है टैलेंट है कि नहीं ताड़ी दोस्त है उन्होंने ताड़ी साइड ही लेनी है अच्छा थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हम और भी लोगों से बात करेंगे आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारे साथ ही रहें